सिलेक्टेड इन जेई एडवांस, मेरी रैंक ये रही और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुछ लोग बोले सर हम तो मिठाई का डब्बा नहीं चॉकलेट लेके आएंगे, ठीक है चॉकलेट मिठाई सब चलेगा, बट जस्ट फील द एनर्जी ऑफ दैट डे जिस दिन आपका जेई में सिलेक्शन होने वाला है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहां चलते हैं, थोड़ा सा वो इमेजिन कर लेते हैं दिन। सर क्या होगा उस दिन? सुबह 9 या 10 बजे का टाइम रहेगा, जनरली आजकल उसी टाइम पे आता है, सर्वर क्रैश होने की वजह से रिजल्ट शाम तक डिले भी हो जाता है, कई की बात आपको 11 बजे आता है। 9 या 10 बजे का टाइम रहेगा सुबह, तुम एकदम नहा धोके तैयार, मन में थोड़ी थोड़ी घबराहट पर अपनी मेहनत पर पूरा पूरा विश्वास कि भैया 2 साल मक्कारी नहीं की थी, मन लगा के पढ़ाई की थी जैसा जैसा टीचर ने बोला। उस दिन की बात कर रहा हूँ सर, ये तो इमेजिनरी डे है। नहीं जी, थोड़े ही दिन में वो दिन आने वाला है सर, अभी 1.5 साल पड़ा है, थोड़ा दिन नहीं है। तो ये टाइम कब बीतेगा ये तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो दैट डे जब आप सुबह नहा धोके तैयार होंगे, हर वक्त सिर्फ एक ही चीज चल रही होगी अगर आपने मन से मेहनत की है कि आज जबरदस्त होने वाला है कुछ। मन में घबराहट भी होगी, थोड़ी चिंता भी होगी, वो लाजमी है बिकॉज हम किसी चीज के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, तो वो जब नजदीक आ जाती है तो फिर सर हमारी जो मेहनत है वो रंग लाने का टाइम आ गया ना। तो तुम सुबह उठ के नहा धोओगे, एकदम कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे हुए हो, जैसे ही एंटर मारा आपको सामने लिखा हुआ दिखाई दिया जेई एडवांस की साइट पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड विद दिस 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 AIR। उसके बाद में कुर्सी पीछे खिसकाना थोड़ी सी, अगर फ्लेक्सिबल हो तो पीछे लेट जाना, किसी से कुछ बात मत करना, और उस फील को एहसास को महसूस करने की कोशिश करो अभी कि हाँ सर मजा आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, हो जाएगा अगर तुम इमेजिन कर सकते हो तो हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में सर क्या होगा, सारी चीजें अब तुम नेता हो, तुम जो बोलोगे वो होगा। सर मैं पबजी खेल पाऊंगा? यस, पबजी तो बहुत छोटी चीज है, तुम और भी बहुत सारी चीजें खेल पाओगे। वाह सर, क्या हमारे घर वाले हमारी इज्जत करेंगे? यस। क्या पड़ोसी हमारे बारे में बात करेंगे? यस। कौन सी बात करेंगे? अपने तरीके से तो वो चुगली करेंगे बट वो तुम्हारी तारीफ कर रहे होंगे, अरे भाई वो देखो वो सेलेक्ट हो गया जी एडवांस। और जब तुम पहले सेमेस्टर की छुट्टियों में घर आओगे और तुम्हारे टी शर्ट के पीछे IIT दिल्ली लिखा होगा, तो तुमसे बात करने में बहुत सारे लोगों को हिचकिचाहट होगी कि यार ये इससे थोड़ा बच के, ये खतरनाक है। फिर तुम्हारे बाद छोटे छोटे वही 9th 10th 11th वाले बच्चे आएंगे, भैया आपने कैसे क्वालिफाई किया मुझे बताओ, एक बार टिप्स दो। जस्ट इमेजिन करके अच्छा लग रहा है। यस सर। और अगर ये सच में हो जाए तो सर जीवन सुधर जाएगा, जीवन नहीं पुश्ते सुधर जाएंगे, ठीक है। और उस एहसास की कीमत बहुत, मतलब दिस इज ऑब्वियसली पैसों में या किसी और चीज में इसको नहीं तोला जा सकता। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज प्लीज मन लगा के मेहनत कीजिए, इधर उधर की बातों पर मत ध्यान दीजिए। और जैसे कि सर लगभग 1.5 या 2 महीने होने वाले हैं बैच स्टार्ट हुए, वैसे वैसे ही क्लास 11 कंप्लीट हो जाएगी, क्लास 12 कंप्लीट हो जाएगी, बहुत जल्दी ही वो दिन आने वाला है। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो जाए टॉपिक सर कम ज्यादा चलते रहते हैं, सेट थ्योरी आसान तो समझ में आ गया, ये थोड़ा डिफिकल्ट है सर, थोड़ा इसमें हमें फाइट मारनी पड़ेगी, आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो थोड़ा और डिफिकल्ट है, क्वांटिटी इक्वेशन आएगी कम डिफिकल्ट है, ऐसे करके अप डाउन आते